नमस्कार दोस्तों, रूपल सेवन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की, जिसमें अब तक प्रोडक्ट बल्क अपोर्डिंग सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने CSV मेंटेन कर ली थी, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने प्राइस से डॉलर और डॉट हटा दिया और यहाँ हम लोगों ने नया CSV जो अपना SQ था वो डाल दिया और लोकल होस्ट स्लैश इमेजेस में सारी इमेजेस रख के दोस्तों, और उसका पाथ यहाँ दे के और इसको मैंने इंपोर्ट करा लिया। तो हमने जब इंपोर्ट कराया तो यहाँ पर हमारे सारी प्रोडक्ट हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें दोस्तों नोट के लिए, नोट प्रोसेसर को इंपोर्ट करने के लिए एक और फाइल बनाई, जहाँ पर हमने टाइटल और बॉडी में अगर आप कुछ चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने ब्लैंक डाल दिया, ठीक है। और ये जो SQ था वो आपको यही सेम डालना पड़ेगा जो कि आपने प्रोडक्ट जो इंटिटी वाले में जो आपने ये इंपोर्ट किया था वही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन, और ये इस तरीके से सेटिंग करके मैंने जब इंपोर्ट किया तो ये हमारा कंटेंट में भी हमारा नोट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। आप कब इसमें जब जाएंगे तो ये आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक है हमारे पास जो कि हमारा SQ है। उसमें क्या करेंगे कि एक मॉड्यूल आता है हमारे पास SQ, ऑटो SQ, ठीक है। इसको जब इंस्टॉल करेंगे दोस्तों तो हमको अपने बार बार अपने SQ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके थ्रू हम एक पैटर्न भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मैनुअल, जिनको जो मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हैं मैनुअल कर सकते हैं ड्रेस के थ्रू इस तरीके से होगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इनेबल कर लेते हैं, ऑटो SQ, ठीक है। और दोस्तों उसके लिए हमें टोकन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग टोकन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक SEO भी मतलब पाथ ऑटो भी नहीं यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारे पास, तो हम लोग टोकन भी उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। टोकन मॉड्यूल भी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमें पाथ ऑटो भी इंस्टॉल कर लेंगे। एक इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो जो आपके URL जो बनेंगे वो वही बनेंगे, नोट स्लैश और नोट का ID, नोट ID करके इस तरीके से सारे URL बनेंगे, ठीक है। अभी जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो ठीक है, आप कॉमर्स SQ वाला भी इनेबल कर देते हैं, पाथ ऑटो भी कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपके जो URL बनेंगे वो SEO फ्रेंडली बनेंगे, ठीक है, जिस टाइप का आप चाहते हैं, ठीक है। तो इसको इनेबल कर लेते हैं, अब दोस्तों हम लोग ने SQ कर रहे हैं तो इसमें अब करेंगे क्या कि हम अपने प्रोडक्ट टाइप में जाएंगे और जिस प्रोडक्ट के लिए हमें SQ ऑटो जनरेटेड करना है उसमें ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे आप जब जाओगे अपने प्रोडक्ट टाइप में एडिट करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिकली जनरेट SQ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब टोकन इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, अगर आप टोकन नहीं इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा ये वाला, तो आप जो भी मैनुअल सेट करोगे वो बनेगा। अब हम लोग जो हम लोग कर रहे थे कि DC करके, ठीक है, तो DC उसके बाद जो हमारा कुछ हम चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ID यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट ID। तो अब जो हमारे जो पैटर्न बनेगा हमारा जो बनेगा DC-commerce प्रोडक्ट ID जो भी नई आने वाली होगी, ठीक है। जैसे 50 तक प्रोडक्ट ऐड हो गए तो नई प्रोडक्ट ID जो बनने वाली होगी वो 51 होगी, तो DC 51 नया ऐड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप और भी यहाँ पर जितने भी टोकन हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जिस टाइप का भी आपको पैटर्न यूज़ करना है वो आप पैटर्न यहाँ पर टोकन के यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको आप सेव कर देंगे तो आप जब भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, क्रिएट हुए, तो अब SQ की फील्ड आप चलेगी। देखिए पहले यहाँ पर SQ फील्ड आ रही थी जो आपके आपको भरना था, अब वो ऑटोमेटिक फिल होगी, ठीक है। तो ये था वीडियो की दोस्तों की कैसे हम लोग SQ की फील्ड
को ऑटो जनरेटेड फिल करें, ठीक है। तो एस क्यू ऑटो हो गया, अब एस क्यू आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।